कि भगवती राजराजेश्वरी आपके क्षेत्र को देख रहे, श्री छिंदवाड़ा आए, उनकी नजर आपके ऊपर पड़े, आप उनका दर्शन करें, तो उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के दुख दैन का अंत होता है। तो इसलिए इनका नाम त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी का मतलब क्या है? वेदांत की दृष्टि से तीन पुर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों शरीरों का जो दृष्टा है वो आत्मा, अगर हम उसको स्त्रीलिंग में कहें तो वो त्रिपुर सुंदरी है। भगवान का कोई लिंग नहीं है, चाहे आप उनको पिता कहें चाहे माँ कहें, जिस भावना से आप देखना चाहें उनसे देख सकते हैं। किंतु जो माता की दृष्टि का प्रश्न है, मातृभाव है, उसमें भक्त का बहुत बड़ा अनुराग होता है। कभी कभी पिता से बेटा डरता है। आपने सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार खुले हो, मैली चादर ओढ़ कर भजन है ना। मेरी चादर का मतलब क्या है? मेरा जो मन है वो मेरा है। काम बोध मोल लो मन मत्तर से ये कनिष्ठ हो, इनका मेरा हो गया। मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम तो बढ़ लोगे। आप देखिए, लोग समझते हैं कि बाप करो कोई देखने ना पाए, यही बात। अभी आप लोगों ने सुना कि जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ नहीं, छोटी छोटी कन्याओं के साथ, 5 वर्ष के अवसर, 3 वर्ष के अवसर, ये क्या है? सरकार कहती है हम कानून बना देंगे, फांसी दे देंगे तो मिट जाएगा। आपके कानून बनाने से नहीं मिटा। बात क्या है कि जो पापी होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, वो जानते हैं कि सरकार या अदालत तब हमको दंडित करेगी जब उसको कोई गवाह मिलेगा। हम गवाह ही नष्ट कर लें तो मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं। तो जब तक मनुष्य को ईश्वर का भय नहीं होगा, धर्म की भावना नहीं होगी, तब तक पापों का अंत नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित तो ये है कि जिसको हम लोग धर्म कहते हैं उसको आज की सरकार ने, आज के संविधान में एक संप्रदाय बना दिया। उसी तरह का संप्रदाय बना दिया जैसे मुसलमानों का, ईसाइयों का होता है। जबकि हमारा जो धर्म है वो सार्वभौम है, मनुष्य मात्र के कल्याण का है। मनु ने कहा, आजकल लोग कहते हैं मनुवादी, मनुवादी, बड़े लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जो मनु ने कहा है, उस मनु के बताए हुए मार्ग का जो अपमान अनुसरण करता वो मानव है। क्रोध हो दशकम धर्म लक्षण। पहला धर्म है भीति, धैर्य धर्म। धैर्य यदि न हो तो सहसा मनुष्य कोई निर्णय करने लग जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
एक व्यापारी था राजस्थान का, वो अपनी पत्नी की गोद में बच्चे को छोड़ के परदेश धन कमाने गया और लौटने में बहुत वर्ष लग गए। तो जब लौटे तो गर्मी के दिन थे, उस समय लोग बाहर सोते हैं, खान में इंतजाम भी होता है, गर्मी के दिनों में लोगों के भीतर बाहर होते हैं। उसमें रात में उसने देखा कि हमारी स्त्री एक पुरुष के साथ सो रही है। गुस्सा आया, अरे तो भ्रष्ट हो गई है, तलवार निकाल ली कि दोनों का सिर काट दो। लेकिन सोचा पहले कि इनको जगा कर लू। जब दोनों को जगाया तो अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, चरणों में गिर पड़ी और उससे कहा, पुरुष ये तेरे पिता है, इनको प्रणाम कर। तब उसके मन में होश आया कि मैं अगर धीरज न रखता तो पत्नी और पत्नी और बेटे दोनों से हाथ धो बैठता। ये धैर्य धर्म है कि नहीं है? क्षमा, क्षमा की बात यह है कि अगर पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए और वो दोनों को क्षमा न करे तो रोज तलाक होने लगे। आजकल यही हो रहा है। अरे बाप बेटे में भी झगड़ा होता है, घरों में कभी क्रोध में बोल देते हैं बाप। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि अगर तूने परीक्षा में अच्छे नंबर न लाए तो मेरे घर में पैर मत रखना। वो बेटा जो बहुत बेवकूफ था, नंबर खराब आ गए तो बिच्छू आसन से घर में आया, वो हाथ ही बढ़ गया। वो पिताजी ने कहा लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर से निकल जाओ और वो निकल ही जाए, या पति पत्नी में इस प्रकार की कोई बात हो जाए, भाई भाई की हो जाए। रोज में मनुष्य कुछ कह देता है लेकिन उसके बाद जब चित्त शांत हो तो क्षमा करते हैं। विधि क्षमा